नमस्कार, ये क्वेश्चन आंसर सेशन का जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस और जो कमेंट्स आए हैं उनके रिस्पॉन्ड करते हुए मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। उमा शिवा सुब्रमण्यन वाना रघोश, शी इज 43 एज, माई एएमएज इज ऑल्सो 0.10। आई एम ट्राइंग फॉर ए बेबी फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। इज इट पॉसिबल टू गेट द ट्रीटमेंट from you? See, we have done IVF in less than 0.1 also, but it depends upon the status of the uterus, whether you are having regular periods or not. If you are having regular periods, then definitely we can go for IVF with your own eggs. But definitely you should understand very well that things are not very always, you feel that things will be very rosy, but definitely you can try with double stimulation technique, which might give a pregnancy with your own egg. For that, you have to come to us for an assessment of yourself and your husband. Promila Khatri, 2 hours ago, very helpful information, thanks. She responded for Mahavari ya period ke second day ya dusre din adhiktar kyun bulate. Thank you, madam. Endometrial polyp wale mein question hai, Alok Jain. Sir, hysteroscopy ke baad next month hi polyp ho jaye to kya karna chahiye? Mostly aisa nahi hota hai, par mere ek patient mein aisa hua hai. Aur endometrial polyp hona, एक बार आप हिस्टोस्कोपी करके भी उसको रिमूव कर देते हैं तो मोस्टली ये एंडोमेट्रियल सेल्स के पॉलिप्स होते हैं और उनको फिर से रिमूव करना पड़ सकता है। यदि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं हिस्टोस्कोपी करने के बाद जब मैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए जब एंडोमेट्रियम प्रिपेयर कर रहा था तो एट द टाइम ऑफ 7th और 8th डे मोस्टली और 9th डे वी अगेन सॉ ए पॉलिप, तो उसको फिर से निकालना पड़ा और फिर उसके बाद IVF, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। महीने में 2 बार पीरियड आता है, इसमें जामिलिया गीता। सर, मेरा पीरियड 15वें दिवस आता है तो एक दिवस ब्लीडिंग आवे, एक दिन का भी यदि पीरियड आता है और यदि पैड लेना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड का रेगुलर होना, पीरियड का यदि एक दिन भी हो उसमें पीरियड में यदि पैड लेना पड़े, पीरियड में यदि पेन हो, पीरियड 28 दिन से 35 दिन के बीच में आए तो ये नॉर्मल कहलाता है, इसको लेके बहुत डिस्टर्ब नहीं होते। कमेंट सेक्शन से जो आए हैं, दैट इज लेप्रोस्कोपी का कितना चार्ज है, आप देवेन जी से पूछ के बता सकते हैं कि अभी कितना चार्ज है। क्वेश्चन फ्रॉम कमेंट सेक्शन 1, सर सुधा वर्मा, सर फाइब्रॉइड है और मैं 1 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ पर कंसीव नहीं हो रहा। ये जो फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो फाइब्रॉइड जो एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है। पर फाइब्रॉइड यदि एंडोमेट्रियम से दूर हो तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। यदि एंडोमेट्रियम ठीक है, जमीन ठीक है, तो बहुत बार नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जाके एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि उस फाइब्रॉइड का आपकी प्रेगनेंसी पे क्या असर हो सकता है। यदि वैसा लगता है तो उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। मोना सैनी, प्लीज सर आंसर मी, मेरा 7 वीक्स मिसकैरेज हो गया, डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन किट दी थी पर 5 अप्रैल को अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें 2 सेंटीमीटर का पीस रह गया। डॉक्टर ने मुझे 2 टैबलेट वजाइना में रखने को दी, 1 डे ब्लीडिंग हुई नहीं। आई थिंक मोना जी, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और बेझिझक जाइए, और ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, एंड शी विल और ही विल हेल्प यू। कमेंट सेक्शन 3 से रितु मिश्रा, हाय सर, व्हाट इज योर सजेशन ऑन ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक COVID-19, प्लीज सजेस्ट, लुक फॉरवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ जो अभी COVID-19 कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसमें प्रेगनेंसी होना चाहिए कि नहीं, IVF करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं। पर ओवरऑल मैं आपसे कह देना चाहता हूं
कि एज ए पेशेंट और डॉक्टर के कांटेक्ट में यदि दोनों जन सेफ हैं और हम एक प्रिकॉशन लेते हैं तो IVF करने और कराने में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यदि आप प्रेग्नेंट भी होते हैं तो ये मदर से फीटस को या बच्चे को ट्रांसफर होने की उतनी उम्मीद नहीं रहती। कुछ रिपोर्ट्स में जो RCOG की और बाहर की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ हद तक ये कहा गया है कि यदि एक्यूट कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो रखा है और उस समय लेट प्रेगनेंसी है तो प्रीटर्म लेबर होने की संभावना रहती है। पर एक बात बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अधिकतर इम्यून सिस्टम की थोड़ी सी कमी में जिनमें रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है और उसमें कुछ भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ने का अंदेशा रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आप इन्फेक्ट हो सकते हो। आप यदि इन्फेक्ट हुए तो आपको कोरोना से न्यूमोनिया होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा बनिस्बत दूसरों की अपेक्षा। तो बेहतर यह है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए और आप यदि प्रेग्नेंट होना भी चाहते हैं, IVF कराना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी विल स्टार्ट अवर प्रोग्राम आफ्टर दिस लॉकडाउन, जब सब सेटल होगा तब हम फ्रेश IVF चालू कर पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।